भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को अंतरगढ़ विधानसभा के ग्राम कोट गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अंतरगढ़ परगना के सिपाही माने जाने वाले टोंगराज बाबा के मंदिर के नए स्वरूप को जनता को समर्पित किया। मंदिर के लोकार्पण पर मां दंतेश्वरी के अंगरक्षक माने जाने वाले देवताओं को भी टोंगराज बाबा के मंदिर में लाया गया था। मुख्यमंत्री ने सभी की पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर ग्राम की रक्षा करने की कामना देवी देवताओं से की। मुख्यमंत्री ने अंतरगढ़ विधानसभा के ग्राम कामता एवं पानावार की देवगुड़ियों में 5.5 लाख रुपयों की लागत से कराए गए सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण तथा 1,62,00,000 रुपयों की लागत से 26 देवगुड़ियों का सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन भी किया। कोट गांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई घोषणाएं भी की। दूसरा ग्राम पंचायत बंडापाल में बालक बालिका मिडिल स्कूल हेतु छात्रावास की घोषणा करा था। आमाबेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित किया जाए उसकी बधाई आपको, और भैंसा स्वरूप स्वास्थ्य केंद्र को भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। और कोट गांव बिहारी तोपाल से तोपाल में देवगुरु उन्नयन और आहता निर्माण मांग कर रहे थे विधायक जी का संशय है, एक में घोषणा करा था। और सबसे बड़ी जन मांग है प्रशासनिक अंतरगढ़ में एडीएम और एडिशनल एसपी के पद स्थापना के जाते ताकि हमारे प्रशासनिक रूप से सब सुविधा हो जाए। और ग्राम पंचायत बड़े तोपाल में नया आंगनबाड़ी भवन के निर्माण किए जाए। एक मांग हमारे सरपंच जी के द्वारा यंग लेकर मेरिट में आए और यंग स्कूल से बने हैं, अतिरिक्त कमरा में वहाँ पढ़ाई हो थे तो वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन के भी घोषणा में करा था। और साथ ही गुड़ा पारा नाला में पुलिया की जरूरत है उसको घोषणा करा था। अंतरगढ़ में तहसील भवन के भी घोषणा करा था। अब अंतरगढ़ गोल्डन चौक से बिजली ऑफिस तक के मॉडल रोड निर्माण के भी घोषणा करा था।